हेलो एवरीवन, आरचल सेक्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कॉन्फिगर रेल सर्वर एज विद ग्रुप इंस्टॉलेशंस। पिछले वीडियो जो हमने सीखा था कि रेल सर्वर कैसे कॉन्फिगर, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रेल सर्वर को कैसे कॉन्फिगर करते हैं, उसका क्लाइंट कैसे कॉन्फिगर करते हैं, रेल सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हमने पिछले तीन वीडियोज में हमने सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेल सर्वर कॉन्फिगर करना विद ग्रुप इंस्टॉलेशंस। यानी अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उस पैकेज के ग्रुप का नाम लिखेंगे तो उस ग्रुप के जितने पैकेज हैं वो एक साथ इंस्टॉल हो जाने चाहिए। जैसे मुझे वेब सर्वर कॉन्फिगर करना है या अपाचे सर्वर कॉन्फिगर करना है तो अपाचे सर्वर के जितने पैकेज हैं तो अपाचे सर्वर का जो ग्रुप नेम है, अगर उस ग्रुप का नेम लिखें तो उस ग्रुप के जितने भी पैकेज हैं वो एक साथ इंस्टॉल हो जाने चाहिए। उसको इस तरह हमें रेल सर्वर को कॉन्फिगर करना है ताकि जिस ग्रुप का हम नेम लिखें तो उस ग्रुप के सारे पैकेज एक साथ इंस्टॉल हो जाने चाहिए। तो इस वीडियो हम ये सीखेंगे कि रेल सर्वर को विद ग्रुप इंस्टॉलेशन कैसे कॉन्फिगर किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपका जो NIC है वो कॉन्फिगर करके देख लेते हैं, NIC चेक कर लेते हैं वो प्रॉपर कॉन्फिगर है या नहीं। तो इफ कॉन्फिग ETH 0 तो हमारा NIC प्रॉपर कॉन्फिगर है। चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, CD माउंट कीजिए और CD इंसर्ट कीजिए और उसे अपना पीछे माउंट कीजिए। तो सबसे पहले CD इंसर्ट कर देते हैं। चलिए CD इंसर्ट हो गई है। उसके बाद में माउंट CD को RHEL से DVD है इसको आपके पीछे माउंट करने के लिए कमांड होता है माउंट स्लैश dev स्लैश CD-ROM स्लैश MNT, हमें MNT माउंट करवाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, माउंट करने के बाद में ये RPM आपको इंस्टॉल करना है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था CD उसमें माउंट हो चुकी, तो पहले चेक कर लेते हैं वो माउंट हुई या नहीं। तो df चेक करने के लिए कमांड है df -h। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो RHEL की DVD थी वो MNT में माउंट हो चुकी है, उसकी एक एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद चलिए cd/MNT और यहाँ पर एक कमांड लिखिए ls-l। ये कमांड क्या करेगा कि MNT में जितना भी कंटेंट्स हैं वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये CD का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ओके, उसके बाद आपको VSFTPD पैकेज इंस्टॉल करना है। तो जैसा हमने पहले बताए थे कि हमारा जो CD होती है उसमें सर्वर नाम का एक फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, उसमें पैकेज नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसमें सारे RPM पैकेज हमारे जो भी पैकेज होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो हमें पैकेज जो इंस्टॉल करना है उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, CD सर्वर फिर उसके बाद में पैकेज। अब यहाँ से हमें RPM इंस्टॉल करना है VSFTPD, तो उसके लिए कमांड है RPM-IVH फिर पैकेज का नाम, फिर एंटर प्रेस कीजिए। चलिए हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आगे हमें क्या करना है चलिए देखते हैं। उस पैकेज को चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो चेक करने के लिए कमांड है RPM-QA फिर पैकेज का नाम। तो चलिए देखिए बता रहा है कि ये पैकेज प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको var/ftp-pub के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है माई सॉल्यूशंस। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं var/ftp-pub। अभी हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, var के अंदर ftp के अंदर pub के अंदर। ठीक है, यानी /var/ftp/pub। अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसमें हमें हमारे CD का जो भी कंटेंट्स है वो यहाँ पर कॉपी करना है। ठीक है, तो पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं mkdir mysolutions। ओके, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है ये पूरी जो एंटर CD है DVD है वो हमें कहाँ कॉपी करनी है, इस डायरेक्टरी के अंदर जो हमने क्रिएट की उसके अंदर हमें कॉपी करनी है। तो हमने जो CD माउंट की थी वो कहाँ पर की थी, MNT के अंदर। तो कॉपी करने के लिए कमांड है cp-rf और कहाँ से कॉपी करना हमें, MNT से
एमएनटी, क्योंकि एमएनटी में हमने माउंट किया था। फिर एमएनटी के अंदर जो भी कंटेंट्स है वो सारे कंटेंट हमें कॉपी करने हैं माई सोल्यूशन नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो सभी कंटेंट कॉपी करने के लिए आपको यूज करना है स्टार, कहाँ पे कॉपी करना है आपको, वार एफटीपी पब, उसके अंदर माई सोल्यूशंस। ये कॉपी हो रहा, जितने देर तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए, हमारी सीडी कॉपी हो चुकी है, डीवीडी सॉरी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये पैकेज इंस्टॉल करने, डेल्टा आरपीएम पाइथन क्रिएट रेपो। चलिए वन बाय वन सभी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सारे पैकेज सीडी में होते हैं, ठीक है, तो पूरी सीडी हम यहाँ पे माई सोल्यूशन नाम के डायरेक्टरी में कॉपी कर चुके हैं, तो हम यहाँ से भी पैकेज अब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले सीडी माई सोल्यूशन, फिर सीडी सर्वर पैकेज। अब हमें यहाँ से पैकेज इंस्टॉल करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है आरपीएम हाइफन आईवीएच डेल्टा आरपीएम। उसके बाद हमें नया पैकेज इंस्टॉल करना है पाइथन नो डेल्टा आरपीएम। उसके बाद क्रिएट रेपो, पैकेज इंस्टॉल होने के बाद में हमें क्या करना है, नाउ ऐड द मेटा डाटा ग्रुप फाइल, यानी हमारा जो पैकेज है उनका मेटा डाटा हमें ऐड करना हमारी ग्रुप फाइल में। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं, हमारा जो मेटा डाटा है वो हमारी ग्रुप फाइल में ऐड करते हैं। तो उसके लिए कमांड है क्रिएट रेपो हाइफन जी स्लैश वार एफटीपी पब माय सॉल्यूशंस रेपो डेटा। उसके बाद क्या था कमांड, रेपो डेटा 1a। चलो इस फाइल में हमें हमारा जो पैकेज का जो मेटा डेटा है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, वार एफटीपी पब माय सॉल्यूशंस। चलिए और सर्वर, फिर एंटर प्रेस कीजिए कमांड लिखने के बाद में। जब तक मेटा डेटा क्रिएट हो रहा है, ऐड हो रहा है हमारी ग्रुप फाइल में, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए, हमारा मेटा डेटा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है ईटीसी के अंदर, यम डॉट रेपोजिटरी के अंदर एक रेपो फाइल क्रिएट करनी है हमें, ठीक है। तो हम वो और उस रेपो फाइल में हमें ये एंट्री ऐड करनी है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें रेपो फाइल कहाँ क्रिएट करनी है, उस डायरेक्टरी में चलते हैं, सीडी स्लैश ईटीसी, उसके बाद यम डॉट रेपो डॉट डी, इसके अंदर हमें रेपो फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो रेपो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है वी आई एम, फिर फाइल का नाम ग्रुप डॉट रेपो, पीछे आपको रेपो जरूर लिखना है, कंपलसरी है। आप ग्रुप की जगह कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ग्रुप ही यूज करें। उसके बाद इंसर्ट के लिए आई प्रेस करें, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है, यहाँ पर एक आईडी लिखनी है जिससे ये फाइल ये कॉन्फ़िगरेशन पहचाना जाएगा, ग्रुप रेपो, कोई भी आप आईडी यूज कर सकते हैं। फिर नेम, जो भी आप नेम देना चाहें, मैं दे रहा हूँ यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस यम सर्वर विथ ग्रुप इंस्टॉल, ओके। उसके बाद आपको पाथ देना है पेज यूआरएल, इस पाथ से ये जो हमारे क्लाइंट हो गए यम क्लाइंट, वो इस पाथ से पैकेज डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो इस पाथ का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देना है ये पाथ।
ये जो आईपी एड्रेस है वो हमारे इस मशीन का आईपी एड्रेस है जहाँ पे हम यम सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं। उसके बाद में पब माई सॉल्यूशंस, उसके बाद सर्वर, तो देख लीजिए यही पाथ था। हाँ चलिए यही पाथ है, कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे तो आपका यम सर्वर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो आपको ये पाथ बहुत ही सोच समझ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनेबल इजिकल टू 1, जीपीजी चेक इजिकल टू 0, ये दोनों ऑप्शन क्या यूज होता है इनका हमने पिछले वीडियो में देखा था इनका यूज। इसके बाद सेव कर लीजिए फाइल, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। उसके बाद में आपको क्या करना है, यम क्लीन ऑल, यम क्लीन ऑल कमांड। ये कमांड क्या करेगा, यम की जितनी केस होगी वगैरह वगैरह जो भी उनको क्लीन कर देगा, एंड यम का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको सारा, पुराना जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको सारा ये क्लीन कर देगा, ठीक है। जो भी केस होगा मेटाडेटा होगा उनको ये क्लीन कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कमांड एग्जीक्यूट करना। ये कमांड का यूज़ क्या है कि डाउनलोड और मेक यूजेबल, यानी आपको ये क्या करेगा, पैकेज डाउनलोड करेगा और उस मेक यूजेबल ऑफ ऑल डेटा फॉर द करंटली इनेबल यम रिपोजिटरी, यानी यम सर्वर से पैकेज डाउनलोड करेगा और उसके बाद में वो आपके मेटाडेटा के लिए यूज हो सके करंटली इनेबल फॉर, और उनको यूज हो सके उनका यूजेबल ऐसे बताएगा कि आप उसको एक तरह से आप उस यम जितने भी पैकेज हैं उनको यम रिपोजिटरी में यूज कर सकें, ऐसा वो उनको बनाएगा, ठीक है। तो चलिए ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, यम मेक, एक तरह से उनकी कैश क्रिएट करेगा कह सकते हैं ऐसा। चलिए हमारे यहाँ एरर आ रही है, तो ये जब भी एरर आए तब आपको क्या करना है, इसका मैंने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन बताया था कि जब भी आप यम सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं तब आपको इस तरह की एरर मिल सकती है। तो इसका सबसे प्रॉपर सॉल्यूशन यही है, LS-L करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइल है server.apo, इसको हमें डिलीट कर देना है, पहले से क्रिएट फाइल थी rm-rf server.apo, ओके। अब वो कमांड वापिस क्रिएट कीजिए, यम क्लीन ऑल, ओके। कौन एरर आ रही है, चलिए ऐसे जब भी एरर आए तब आपको देख लेना कि कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट तो नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपको अलग से फाइल कोई क्रिएट हो चुकी है तो ये क्या करेगा, जैसे पहले से एक फाइल क्रिएट थी server.repo, ठीक है, तो उस फाइल का सारा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए वो एरर शो कर रहा था। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने उसमें लिखा वो इसमें मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमें एरर शो कर रहा था, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसके अलावा भी एक फाइल टेम्परेरी फाइल इसमें क्रिएट होती है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि उसको आपको क्या करना है, या तो डिलीट कर दीजिए उस फाइल को या फिर रीनेम कर दीजिए ताकि वो फाइल आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको इस तरह आपको सोल्व आउट करना है। तो हमारे मैक के हमारे केस मेटाडेटा की केस क्रिएट हो चुकी है, यानी ये कमांड क्या करेगा, यम मैक केस कि आपके जो मेटाडेटा होगा उसके केस क्रिएट करेगा, ठीक है, ताकि सर्वर पर ये क्लाइंट या सर्वर पर जो भी इसको डाउनलोड करें उस पर लोकली इनेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कमांड यूज करना है, यम सर्विस, जो भी आपकी सर्विस है VS-FTPD इसको रिस्टार्ट कर देना है और इसको बूट टाइम ऑन करना है, यानी जब आपका पीसी शुरू हो रहा हो स्टार्ट हो रहा हो तब ये सर्विस ऑन हो जाए, तब आपको इसके लिए क्या कमांड एग्जीक्यूट करना है, VS-FTPD ऑन। उसके बाद सर्विस आईपी टेबल्स को आप ऑफ कर दीजिए, स्टॉप,
पेपल और सी एच के कॉन्फिग आई पी पेपल और ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका यम जो यम सर्वर है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए कमांड है यम ग्रुप लिस्ट। अगर आपका यम सर्वर प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर वो टोटली लिस्ट बताएगा कितने ग्रुप इसमें स्टॉल क्रिएट हुए हैं, कितने ग्रुप इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका यम सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ प्रॉपर, तो ये शो नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे मुझे वेब सर्वर के जितने पैकेज हुआ इंस्टॉल करने, तो मुझे क्या कमांड लिखना पड़ेगा, यम ग्रुप इंस्टॉल और फिर पैकेज का नाम। ध्यान रखिएगा कि यह लिनक्स कैश सेंसिटिव होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये बता रहा है कि वेब सर्वर के जितने पैकेज हैं वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हैं। ठीक है, इस तरह आप जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल करना है आप यहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह पहले यम कमांड, फिर ग्रुप इंस्टॉल, फिर जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो इन सिंगल इनवर्टर कॉम्बा के अंदर आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, अगर आपको NFS सर्वर के पैकेज इंस्टॉल करना है आपको क्या लिखना पड़ेगा, NFS फाइल सर्वर। ठीक है, कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, यम ग्रुप इंस्टॉल और उसके बाद में NFS फाइल सर्वर, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा, NFS सर्वर के जितने पैकेज होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको वन बाय वन सारे पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कि इस वीडियो हमने क्या सीखा कि यम सर्वर को विद ग्रुप इंस्टॉलेशन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर watching।